पहली गल तो यह समझ वाली है, जिंदगी विच जेकर किते कोई दुख है उहदा कारण असी आप हाँ, क्योंकि साढ़े किते हुए कर्मां दे मुताबक सानू दुख सुख की प्राप्ति होंदी है। जिस तरह के असी कर्म करते गुरबाणी ने पिछले कर्मां नूं भी मन्निया है भी जो पिछले कर्म करके आए हाँ उन्हां दी बदौलत कुछ होण कर रहे हैं। चंगे कर्म किते ने चंगे कर्मां दे संस्कार जदों प्रबल होंदे ने ते सानूं सुख मिलदा है। जदों कोई साडा बीजिया होया बीज माड़ा कर्म जदों पुंगरदा है फिर सानू दुख मिलता है, जीवन में दुख आता है। वैसे तो जे मन अंदर चिंता है चिंता भी दुख का कारण बन जाती है। कोई शरीरक दुख ने कोई चिंता करके दुखी है, दुख के कई कारण ने। और सतगुरु जी ने समझाया भी दुख भावें किसी भी तरीके दा है भाई, तैनूं कोई चिंता करके दुखी है तू शरीरक दुख है इन्हां सारिआं तों बचिया जा सकदा है, सारे दुखां तों तेरी खलासी हो सकती है। करना की है, गोर चरण सरेवत दुख गया, जिसने भी गुरु दे चरणां दे नाल जुड़ के परिपूर्ण परमात्मा की सिफ सलाह कीती है, जो गुरु दे चरणा नाल जुड़ के एक मन एक चित होके परमात्मा की इबादत करता है उहदे जीवन विचों जिहड़े दुख ने चले जाते हैं। नाम ने परमेश्वर दे नाम ने साडे दुखां नूं खा जाणा कह सकते हैं। नाम जप के दुखां तों बचिया जा सकदा है क्योंकि नाम विच ताकत है। हर को नाम सदा सुखदाई, हरी परमेश्वर दा नाम भाई तू जदों भी जपेगा तेरा हरेक जपया होया नाम भावें तू थोड़ा चिर ही जपया वह तेरे लिए सुखदाई है, उहदा तैनूं सुख मिलना ही मिलना है। क्योंकि परमेश्वर के दरबार में जिहड़ा न्याय है उत्ते सच का न्याय हुंदा है। जे तू थोड़ा चिर भी नाम जपया उहदा भी तैनूं फल है, जे तू कि माड़ा कर्म किया तो उहदा भी तैनूं भाई फल मिलना ही मिलना है। पर गुरु साहिब आखदे ने भी नाम जप, नाम जप के गुरु के चरणों के नाल जुड़िया गुरु की शरण में आया, गुरु की शरण में आके जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा की इबादत करता है बंदगी करता है वह भाई दुख तो बच जाता है। पार ब्रह्म प्रभ करी मिया, मिया तो भावे कृपा, जिस उत्ते अकाल पुरख वाहिगुरु ने कृपा कर दिती है बख्शिश कर दिती है ओदी कृपा दे नाल मनुख नाम जपदा है। ये गल समझ वाली है। ताइयों असीं रोज अरदास करके गुरु कोलों नाम की दात मंगते हाँ भी सानू नाम की दात बख्शिश करो, क्योंकि परमेश्वर के नाम ने सानू दुखां तों बचाउणा है ते उहदी कृपा दे नाल ही नाम मनुख जप सकदा है। ते जिन्हां ने जपिया सर्व मनोरथ पूर्ण पूर्ण कान, उन्हां दियां मनोरथ तों भाव है इच्छावां लोड़ा जो सानू चाहिए सर्व तो भाव है सारिया, सर्व मनोरथ पूर्ण काम उन्हां दियां सारिया इच्छावां सारिया लोड़ां गुरु पूरियां कर देंदा है ते उन्हां दे सारे काम जिहड़े ने गुरु संपूर्ण कर देंदा है। क्योंकि मनुख अपनी जिंदगी विच कोई ना कोई काम छेड़ के रखदा है, कोई ना कोई मन की इच्छा कह लो कोई काम भी जो करना है जो शुरू किया है उन्हों लैके मनुख चिंता विच रहिंदा है चिंतित रहिंदा है। पर जिवें गुरु के चरणों के नाल जुड़ के मालक की इबादत करदा है, गुरु अर्जन देव महाराज ने बख्शिश की है
परिपूर्ण परमात्मा ओदियां मन दियां सारियां इच्छावां लोड़ां पूरियां कर दिंदा ते ओदे अधूरे काम भी आप अपना मेरा प्रिया हाथ रख के गुरु संपूर्ण करा दिंदा है। बचन आपां पढ़दे आ, संतां के कारज आप खलोया हर काम करावण आया राम। थिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे कासवारे। जदों गुरु दे चरणां दे नाल जुड़ के मनुख परिपूर्ण परमात्मा दी इबादत करता है, डोर परमेश्वर ते सुट दिंदा है, फिर आप परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु विच वरत के अपना मेरा प्रिया हाथ रख के कार्य सफला करता है। पर जदों तक मनुख अपनी सियाणप दे नाल कोशिश करदा ते गल नहीं बनदी, जदों कह दिंदा है भी ये काम मेरा नहीं वाहिगुरु तुहाडा ही है, फिर कृपा हुंदी है। बचन आपां पढ़दे आ ना, जिसका कारज जिहदा काम है तिन ही किया ओही पूरा करन वाला है। मानस क्या विचारा राम, मानस तो भाव है मनुख, भी मनुख दे हाथ विच कुछ नहीं, मनुख कुछ नहीं कर सकता, असी सिर्फ कोशिश करनी है। गुरु साहब आखते ने भाई तू कोशिश कर, मेहनत कर, पर यह आख गुरु भी काम तुहाडा ही है, तुसी पूरा करना है, ते फिर कारजां विच सफलता मिलती है। सर्व मनोरथ पूर्ण काम जप जीवे नानक राम नाम। हुण जिहड़ा गुरु दे चरणां दे नाल जुड़ गया है वह फिर परिपूर्ण परमात्मा का नाम जपदा है। ते गुरु साहब ने आख्या भी मैं भी उस परिपूर्ण परमात्मा का नाम जप के आत्मक जीवन की प्राप्ति मैनू नाम जप के ही हुंदी है। भी फिर नाम दा रसिया नाम जपे बगैर नहीं रह सकदा। सा रुत सुहावी जित हर चित आवै, बिन सतगुर दिसै बिल लांती साकत फिर फिर आवै। क्योंकि मनुख ने अपने मन अंदर ही मनोतां बनाईयां ने भी ये दिन चंगा है, ये दिन माड़ा है, ये महीना चंगा है, ये माड़ा है, पर गुरबाणी इस गल नूं नहीं मंदी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच किते भी नहीं लिखिया भी भाई ये दिन चंगा है ते ये दिन माड़ा है, जां ये महीना खास है, ये दिन खास है। गुरु साहिब आखदे ने नहीं, सारे दिन बराबर ने, सारे महीने बराबर ने। हाँ, ओ महीना ओ दिन चंगा है जिस दिन तू मालक नूं याद कर लवे, जिस दिन परिपूर्ण परमात्मा दी तू इबादत करके दिन दी शुरुआत करें, महीने दी शुरुआत करें, भी तैनूं मालक याद आ गया, दिन भी चंगा है, महीना भी चंगा। गुरु साहिब आखदे ने ओ रुत भी चंगी है। बचन आउंदा है, नानक सोच दिन सुहावड़ा जित प्रभ आवै चित। जदों मालक याद आ गया दिन चंगा है, जित दिन विसरै पार ब्रह्म, जदों तैनूं मालक भुल गया, जित दिन विसरै पार ब्रह्म, फिट भलेरी रुत, ओ रुत ही आखदन तैनूं फिटे मूंह है, भी तेरे लई चंगी नहीं, तू मालक नूं भुला दित्ता है। हुण इत्थे भी यही समझाई है, सा रुत सुहावी, ओ रुत तेरे लई सुहावनी है, चंगी है, भागां वाली है। जित हर चित आवै, हर तो पावै वाहिगुरु, भी जिस रुत विच तैनू मालक हरी याद आ जावे। असीं तां अपने मन अंदर वहम बनाए ने, तरह तरह दियां असीं अपनियां मनोतां बनाईयां ने, भी बुधवार चंगा है, इस दिन सिर नहीं धोना, इस दिन बाहर नहीं जाना, ऐ नहीं करना, वह नहीं करना। पर गुरु साहब आखदे ने भाई ये तू आप बनाए ने, परमात्मा ने यह कुछ नहीं बनाया, उन्हें सब दिन बराबर बनाए ने। गल ये मायने रखती है भी तेरी दिन की शुरुआत होंदी किवें है, भी उठ के तेनू मालक याद आंदे सब तो पहला, जे अपने काम धंधे याद आंदे ने, जे काम धंधे उठ के याद आ गए तो फिर गल नहीं बननी। सब तो पहला उठ के तेरे हाथ जुड़ने चाहिए ने परिपूर्ण परमात्मा मालक अगे, भी दिन चढ़िया है, भी तुहाडी याद च बतीत हो जाए। काम तो अपने आप गुरु ने रास कर देने ने, जदों नाम जप के दिन की शुरुआत की होवे
फिर दिने कोई भी काम साडा रोक नहीं सकता, किसी काम विच भी रुकावट नहीं आ सकती जे गुरु का आसरा लैके तुरे होवांगे। बिन सतगुर दिसे बिल लांती, बिल लांती तो भाव है विलकना, भी जेडे गुरु नूं छड के जिन्हां कोल परमेश्वर का नाम नहीं, भी जो नाम नहीं जपते वह फिर आखद संसार से भाई बिलकते फिरते हैं। साकत फिर आवे, ओ साकत मनुख साकत तो भाव जो गुरु नाल टुटे है जिदे हिरदे च परमेश्वर का नाम नहीं, फिर आवे तो भाव है ओदा भाई 84 वाला गेट बनया रहिंदा है, बार बार संसार ते आना जाना ओदा आवागमन खत्म नहीं हुंदा, ते ओ फिर बिलकदा ही रहिंदा है जिहड़ा नाम नहीं ना जपदा, जिहदी शुरुआत नाम जप के नहीं होई, जिहनूं गुरु नहीं याद आया, जिन्हें परमेश्वर नहीं याद किया, गुरु साहिब आखदे ने भाई ओ फिर बिलकदा ही रहिंदा है, तड़फदा ही रहिंदा है, परेशानी विच जीवन व्यतीत करदा है। अगे कृपा कीती है से धनवंत जिन हर प्रवरास, हुण धनवंत तो भाव है अमीर, असीं तां अमीर उन्हां नूं मंनदे आं वी जिन्हां कोल पैसा ज्यादा है, पर गुरु साहिब ने अमीर उन्हां नूं मनिया वी जिन्हां दे हिरदे विच नाम रूपी धन है, रास तो भाव है पूंजी, जिन्हां कोल नाम दी पूंजी है। से धनवंत उह सब तो अमीर ने जिन हर प्रवरास, जिन्हां कोल नाम रूपी पूंजी है, जिन्हों असी वे समझते हैं ना भी माया ज्यादा बहुत वड्डा आदमी है, गुरु साहब आखते हैं चिंता भी वड्डी है उन्हों फिर वड्डे वड्डे जो दिसे लोग तिन को व्यापे चिंता रोग, जिन्ना धन वद उन्नी चिंता भी वद। काम क्रोध गुर शब्द नास, भी जिवें भाई तू गुरु के शब्द की कमाई करेगा, गुरु के शब्द ने तेरे अंदरों विकारा नूं मुका देना है। जिहड़े विकार मनुख ते हर वक्त हावी रहिंदे ने, इही विकार फिर मनुख दे वस विच आ जांदे ने जदों मनुख गुरु दे शब्द दी कमाई करदा है। काम क्रोध गुर शब्द नास, गुरु दे शब्द ने इन्हां नूं नास, इन्हां दा खात्मा कर देना है। भै बिनसे निरभै पद पाया, जिवें भाई तू गुरु की शरण में आके नाम जपेगा तेरे अंदर सारे डर मुक जाएंगे, भय तो भाव है डर, भी किसी भी तरह का डर भाई तेन पो नहीं सकेगा, निर्भय पद पाया उस उच्ची आत्मक अवस्था प्राप्त कर लवेगा, जिस अवस्था प्राप्त करके फिर कोई भी डर मनुख न डरा नहीं सकता। गोरमिल नानक खसम ते आया, अखीर ते आखदे ने भी मैं नानक, मैं भी अपने गुरु नाल मिल के गुरु दे चरणां दे नाल जुड़ के उस मालक नूं धंदा हाँ। देखो गुरु साहिब ने सानू इत्थे समझाया भी नाम जपना अत जरूरी है, गुरु साहिब आप जो परमेश्वर दा रूप सन अपने सतगुरु ने इत्थे दृष्टांत दित्ता है भी मैं भी उस परिपूर्ण परमात्मा की सिफ सलाह करदा हाँ। साध संगत प्रभु कियो निवास, हार जप जप पूर्ण होई आस, हरी दा जिवें जिवें नाम जपेगा तेरिया सारिया मन दियां आसा पूरियां होणगियां, पर भाई सत संगत विच आ के तैनू टिकना पवेगा। साध संगत प्रभु कियो निवास, निवास तो भाव है रुकना, टिक जाना, भी संगत विच टिक के चौंकड़ा मार के एक मन एक चित होके भाई जिते प्रभु की सिफ सलाह होंदी है तेनू भी बंदगी करनी पवेगी, परमेश्वर का नाम सुनना पवेगा, क्योंकि संगत जिते होंदी है गुरु दी ते दुनियावी गल नहीं होंदी, केवल परिपूर्ण परमात्मा की सिफ सलाह होंदी है। बचन आउंदा है सत संगत कैसी जानी है, सत संगत कहंदे किनू ने, जिथे एको नाम खाणी है, जिथे कोई गल नहीं केवल एको परमेश्वर दी नाम की गल होवे ओ संगत है, ओ गुरु दी संगत है, जिथे बह के दुनियावी गल्लां होण ओ गुरु दी संगत नहीं। जाल तल महिल रव रहा, ओ परिपूर्ण परमात्मा पानी विच धरती विच पुलाड़ आकाश हरेक थां उस परिपूर्ण परमात्मा दा वास है, कोई ऐसी थां नहीं, कोई ऐसा हिरदा नहीं जिथे परमात्मा दा वासा ना हो। गोरमिल नानक हर हर कहिया,
अपने गुरु नूं मिल के आखदे ने मैं भी गुरु साहिब उस मालक परिपूर्ण परमात्मा जो सारे संसार नूं सिरजण वाला है भाई सारे संसार दी जो पालना करदा है मैं भी उहदी इबादत बंदगी कर रहा हां। अष्ट सिद्ध नव निध इह कर्म प्राप्त जिस नाम देह अष्ट सिद्ध भी सिद्धियां दी गल कीती है करामाती ताकतां दी गल कीती है नव निध भी नौ तरह के खजाने जो सिद्धां ने नाम जप के रिद्धियां सिद्धियां नूं प्राप्त कीता सी। गुरु साहिब आखदे ने भाई जो नाम दा रसिया है जिन्हों नाम दी दात मिल गई उहदे लई परमेश्वर दा नाम ही सिद्धियां ते रिद्धियां अठारह सिद्धियां ते नौ तरह के खजाने मने गए ने उहदे लई कहण तों भाव सब कुछ परमेश्वर दा नाम ही है। कर्म प्राप्त जिस नाम देह हुण ये नाम दी दात मिलदी उहनूं ऐ जिहदे उत्ते आप मालक बख्शिश करदा है किरपा करदे उहदी किरपा तों बगैर नाम दी दात नहीं मिलदी। कर्म प्राप्त उही प्राप्त करदा है जिस नाम देह जिहनूं अपना नाम उह आप बख्शदा है। प्रभ जप जप जीवै तेरे दास हे वाहिगुरु जो तुहाडे दास भगत जन हन ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਿਲ ਨਾਨਕ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਫ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਬਸ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭਾਈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਚੁਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।